फ्रेंड्स वेलकम टू करंट अफेयर फंडा आज हम इस बायोलॉजी के सेशन में डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई के बारे में जिसमें हम मेनली इसका स्ट्रक्चर और इसके मेन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें इसमें कमेंट करें और उसका शेयर भी करें सो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक अगर हम ह्यूमन आई के बारे में बात करें तो ह्यूमन आई की जो स्टडी है मींस इसका स्ट्रक्चर क्या है इसकी क्या डिसीज है इसकी क्या वर्किंग है दैट होल ब्रांच को हम कहते हैं ऑप्थेलमोलॉजी। ना ह्यूमन आई वर्क करती है ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पर ये इसका जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड दैट इज थ्रू अ नेचुरल लेंस अ नेचुरल कॉन्वैक्स लेंस जो कि कॉन्वैक्स लेंस टाइप है एंड वो जो कॉन्वेक्स लेंस लेंस है नेचुरल कॉन्वेक्स जो हमारी आई में अंदर प्रेजेंट है दैट इज मेड अप ऑफ अ अ प्रोटीन ट्रांसपेरेंट से ये मिलकर बना होता है एंड इट इज अ फ्लेक्सीबल ये फ्लेक्सिबल है क्यों क्योंकि जैसे हम आने वाले स्लाइड में भी देखेंगे कि ये अपने फोकस को चेंज कर सकता है ये अपनी फोकल लेंथ को ये अपने एपरेचर को चेंज कर सकता है सो दैट इज वाई इट इज मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल नाव जो ह्यूमन आई के जो मेन पार्ट हैं, दीज आर द कॉर्निया, आयरिस, प्यूपिल, प्यूपिल्सरी मसल्स आईलेंस रेटिना एंड द ऑप्टिक नर्व सो लेट इज स्टार्ट विद दिस डायग्राम इस डायग्राम में सबसे पहले हम बात करते हैं आई वॉल की नाउ आई वॉल दैट इज मेड अप ऑफ अ थ्री लेयर ये तीन लेयर से मिलकर बना है जिसमें सबसे भारी लेयर है दैट इज अलेरा उसके बाद आती है उसी से अटैच सेकेंड लेयर दैट इज अ कोरोइड लेयर देन उसी के बिल्कुल एडजस्टेंट लेयर है थर्ड लेयर दैट इज अ रेटिना लेयर इन्हीं तीन तीन लेयर से मिलकर आई वॉल बनी हुई है इन तीनों लेयर्स में से केवल जो स्क्लेरा की लेयर है दैट इज अ आउटर लेयर इट इज अ कंप्लीट लेयर ये बिल्कुल कंप्लीट है क्योंकि ये बिल्कुल मीन uh, अंदर से लेके बाहर तक ये रहती है अंदर तो इसको हम पोर्शन कह रहे हैं स्क्लेरा का पोर्शन है अब ये जो हमें बाहरी तौर पे जो दिखाई देता है स्क्लेरा का पोर्शन दैट इज द वाइट पोर्शन ऑफ आर आई हमारी आंख का जो वाइट पोर्शन है दैट इज द आउटर पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा इसी आउटर पोर्शन पे होता है कॉर्निया प्रेजेंट सो कॉर्निया क्या है कॉर्निया इज अ बल्ज आउट पोर्शन जो हमारी आंख में जो बाहरी

विच कवर द वाइट पोर्शन ऑफ आर आई एंड द कॉर्निया नाउ हम अब हम बात कर रहे थे कि हमारी आई वॉल आई वॉल की सबसे ऊपरी बाहरी लेयर है स्कलेरा उसके बाद आती है कोरोइड की लेयर स्क्लेरा का जो पोर्शन है दैट इज समथिंग ब्लूइश इश वाइट इसकी अपेयरेंस होती है वाइल्ड जो कोरोइड लेयर है ये है पिगमेंटेड लेयर इसका जो कलर है दैट इज अ डार्क ब्राउन इसकी अपेयरेंस होती है और इसका जो पिक्यूलर कलर है दैट इज मीन्स इसका एक पर्पस है उसका पर्पज ये है कि जब लाइट रे आई में एंटर होती है उसके बाद जब इन लेयर्स तो पर टकराएगी तो यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो सो so, जो मीन्स जो कोरोइड लेयर का ब्राउन कलर होता है that is to prevent the uh, that is to prevent the internal reflection इस वजह से इसका ब्राउन कलर होता है और यही कोरोइड की लेयर आगे जाकर मीन्स आगे एक्सटेंड होकर जहां पर कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन पॉइंट है वहां पर एक शार्प टर्न लेती है इनटू द कैविटी एंड इट फॉर्म द आयरिस पोर्शन सो आप जानते हैं कि कॉर्निया कॉर्निया क्या था कॉर्निया जो हमारा आंख का बल्ज आउट पोर्शन है व्हाइट पोर्शन के ऊपर जो बाहरी जो ऊपरा मीन्स जो ऊपरी तौर पर उभरा पोर्शन है वो है कॉर्निया इसी कॉर्निया में आयरिस की एक लेयर होती है दैट इज अ आयरिस मैमब्रेन जो, uh, जो uh, uh, पे दैट इज ड्यू टू द मेलनिन पिगमेंट और किसी मीन्स किसी ह्यूमन में किस तरीके का मेलनिन पिगमेंट है ये सिर्फ इसी के रेशो पर डिपेंड करता है कि जो आयरिस का डिफरेंट डिफरेंट कलर पाया जाता है कुछ कुछ लोगों की आंखों का कलर मीन uh, ब्लूइश होता है कुछ का हल्का ग्रीनिश ब्राउन होता है कुछ का ब्राउन होता है कुछ का डार्क ब्राउन होता है दैट दैट इज डिपेंड अपॉन द पिगमेंट इसी में एक केस है दैट इज अल्बीनो आइस एल्बिनोज आइज अब एल्बिनोज आइज जो होती है उनमें आयरिस का जो कलर होता है दैट इज पिंक अब वो पिंक कलर क्यों होता है वो इसलिए होता है कि जो एल्बिनोज होते हैं उनके अंदर Uh, जो मेलेनिन पिगमेंट होता है वो लैग होता है मतलब वो नहीं होता uh, जो हेयर आई मतलब हेयर स्किन एंड आयरिस इन पे मेलेनिन पिगमेंट नहीं होता या बिल्कुल ही मीन्स अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है या नहीं होता सो so, उसकी वजह से क्या होता है कि जो आयरिस पे जो पिंक कलर ऑब्जर्व होता है दैट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ब्लड वेसल्स आयरिस पे जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं उसके रिफ्लेक्शन की वजह से पिंक कलर आयरिस पे ऑब्जर्व होता है इन द केस ऑफ द एल्बिनोज आइज सो अब हम बात कर रहे थे कि आयरिस क्या है आयरिस इज द करोइड लेयर का ही आगे टर्न है ये ये मिस कॉरोइड लेयर का ही आगे एक्सटेंशन है और यही कॉरोइड लेयर मीस आगे जाके आयरिस बनाती है इसी आयरिस में देर इज अ स्मॉल होल और मीस अप्रेचर इज प्रेजेंट जिसको हम कहते हैं प्यूपिल इस प्यूपिल से क्या होता है इसी प्यूपिल के द्वारा जो लाइट रहे है दैट एंटर इन टू आर आईज ये मतलब हमारी आंख में जो लाइट की एंट्री है दैट इज थ्रू दिस प्यूपिल पोर्शन और उसके बाद आता है कॉन्वेक्स लेंस और या फिर नेचुरल लेंस का पोर्शन इसी नेचुरल लेंस पर मीन्स इसका काम होता है कि ये शार्प बिल्कुल इमेज को फोकस कर देता है ये जो लेंस है जिसको हम कह रहे हैं दैट इज नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस ये अटैच होता है थ्रू द सस्पेंसरी लिगामेंट सस्पेंसरी लिगामेंट का काम क्या है उनका काम है कि वो इसको पोजीशन में फिक्स रखते हैं और दी सस्पेंसरी लिगामेंट दीज आर अटैच टू सिलियरी मसल्स उसके बाद ये यहाँ पर अटैच होते हैं दोनों तरफ से दैट इज सिलियरी मसल्स सिलियरी मसल्स अलोंग विद द सिलेरिन मसल्स अलोंग विद द सस्पेंसिव लिगामेंट इनका काम क्या है इनका काम ये है कि ये इस कॉन्वेक्स लेंस की इस नेचुरल लेंस लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं जिसको हम इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे जहां हम वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई के बारे में मीन्स इसका प्रॉपर डिस्कशन करेंगे वहाँ आपको इस चीज़ का पता लगेगा कि सिलेरी मसल्स और सस्पेंसिव लिगामेंट का काम क्या है किस तरीके से वो लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर देते हैं बट यहां पर हम बात करते हैं इसकी structure की। फ्रंट पार्ट ऑफ द आइस जो बल्ज आउट पोर्शन होता है उसको हम, उसको हम नाम है। दैट पोर्शन और जो लाइट एंटर होती है दैट इज थ्रू जब लाइट टकराती है तो जो लाइट का रिफ्रैक्शन दैट स्टार्ट थ्रू द कॉर्निया से ही लाइट का रिफ्रैक्शन शुरू हो जाता है उसके बाद आता है इस कॉर्निया के बाद आयरिस का पोर्शन जैसे हमने बताया दैट इज द कॉर्निया ये मान लीजिए ये कॉर्निया का पोर्शन है इसके बाद एक पिगमेंटेड लेयर होती है जिसको नाम दिया जाता है आयरिस आयरिस के बाद आता है एक स्मॉल होल का पोर्शन दैट इज अ प्यूपिल इसी के द्वारा लाइट रे आईज में अंदर एंटर होती है अब आयरिस पे a, means, कुछ स्मूथ स्मूथ मसल्स मसल्स प्रेजेंट होती हैं इन का काम क्या होता है इन स्मूथ मसल्स का काम होता है कि वो प्यूपिल के मीन्स इसका फैलना या इसका सिकुड़ना इसको कंट्रोल करती है कैसे जैसे कि अगर मान लीजिए कि कहीं डिम लाइट है अगर डिम लाइट है तो प्यूपिल फैल जाएगा मीन्स इट स इस कंडीशन में कहते हैं डायलेटेड प्यूपल फैल जाएगा और ये किसकी वजह से होगा दैट इज थ्रू दिज स्मूथ मसल्स ये जो आयरिस में स्मूथ मसल होती है ये क्या करती है कि ये प्यूपिल को फैला देती है जिसकी वजह से ज्यादा लाइट आई में एंटर हो सके और अगर यहीं पर अगर कहीं ब्राइट लाइट का केस आता है मतलब कि हम किसी ऐसी जगह गए जहाँ पर एकदम से हमारे मीन्स हमारी आँख में ब्राइट लाइट पड़ी तो उस वक्त क्या होता है कि यही प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ये सिकुड़ जाता है जिससे कि हमारी आई में कम लाइट एंटर हो तो आयरिस का काम क्या होगा मीन्स आयरिस का जो मेन फंक्शन है दैट इज टू कंट्रोल द लाइट कि हमारी आंख में कितनी लाइट किस अमाउंट में लाइट एंटर हो रही है ये जो कंट्रोल करता है दैट इज आयरिस पोषण और ये कैसे कंट्रोल करता है ये प्यूपिल का मिस uh, उसका फैलना या उसका सिकुड़ना इसे कंट्रोल करता है ना प्यूपिल इज इन द मिडल ऑफ द आयरिस ये हम बता चुके हैं कि आयरिस के मिडिल में एक स्मॉल होल या पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं प्यूपिल और मीन्स ये जो प्यूपिल uh, है यहाँ ये मीन्स इसी के द्वारा जो लाइट है वो अंदर एंटर होती है ना आई इसके बाद आता है आई लेंस का पोर्शन आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस दैट इज मेड अप ऑफ अ सॉफ्ट एंड ट्रांसपेरेंट प्रोटीन मटीरियल दैट इज अ फ्लेक्सीबल मटीरियल क्योंकि ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है नाउ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट इन साइड द आई कैन बी चेंज बाय द एक्शन ऑफ द स्लेरी मसल्स इस लाइन को हम मीन्स प्रॉपर तरीके से जब हम वर्किंग डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन आई की किस तरीके से वर्किंग है वहाँ ये मीन्स आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि uh, की जो सिलेरी मसल्स हैं और इसके साथ में जो सस्पेंसरी uh, जो लिगामेंट है वो किस तरीके से कॉन्वेक्स uh, लेंस की फोकल लेंथ को कंट्रोल करते हैं किस तरह के मतलब किस तरीके से ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है

सो so, इस तरीके से जो जो रेटिना है दैट इज मेड अप ऑफ द फोर लेयर सबसे बाहर लेयर पिगमेंटेड सेल्स की उसके बाद आते हैं रिसेप्टर सेल्स और देन उसके बाद आते हैं नर्व सेल्स की दो लेयर अब जो रेटिना क्या है मीन्स उसको डिफाइन कैसे करेंगे रेटिना इज अ डेलीकेट मेमरे हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ रॉड एंड कॉन सेल्स वट आर द रॉड एंड कॉन सेल्स यही है फोटो रिसेप्टर सेल्स इन्हीं का मीन्स जो फोटो रिसेप्टर सेल्स का हम नाम ले रहे हैं इन्हीं के दो टाइप हैं दैट इज रॉड एंड सेल्स। नाउ ये जो uh, मीन जो uh, ये जो रेटिना की मेम्ब्रेन है यहां पर एक डिप्रेशन टाइप का होता है इसका नाम है फोविया ये जो फोविया सेंट्रलिसिस है यहां पर जो है इट कंटेन द कोन सेल्स इस पर लार्ज नंबर ऑफ कॉन सेल्स यहां प्रेजेंट होते हैं इसी फोविया पर लार्ज नंबर ऑफ कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इसको हम नाम देते हैं येलो uh, स्पॉट इसका एक स्पेशल नेम है दैट इज अ येलो स्पॉट और यहां पर लार्ज नंबर ऑफ कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज अ साइट ऑफ द डिस्टेंस जो इमेज बनती है जो बहुत दूरी की जो इमेज बनती है जो बहुत दूर के विजन होते हैं उसके लिए यही साइट रिस्पॉन्सिबल होती है आयरिस का हम बता चुके आयरिस का काम क्या है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई हमारी आंख में जो लाइट एंटर कर, कर रही है इसको स्मूथ मसल स्म प्रेजेंट होते हैं वो ही प्यूपल का डायलेशन और कंट्रेक्शन को कंट्रोल करते हैं जिसके द्वारा किस अमाउंट में लाइट एंटर होगी अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द मीन्स जो मीन जो बाहरी सिचुएशन है उसके मुताबिक ही

अगर हम किसी अंधेरे कमरे में खड़े हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि यही डायलेट हो जाता है प्यपिल फैल जाता है जिससे ज्यादा लाइट मीज़ अंदर आई में एंट्र हो सके और इस तरीके का आपने केस देखा होगा कि जैसे अगर हम आ, कहीं एकदम से बाहर से अगर हम किसी अंधेरे कमरे में एकदम से जाएँ तो हमें ब्लाइंडनेस महसूस होती है हमें एकदम से दिखाई नहीं देता है बिकॉज ये जो प्रोसेस है वो उसमें थोड़ा सा तो टाइम लगता है ये ये जो प्रोसेस है ये एकदम से नहीं होता और जिस दौरान ये प्रोसेस हो रहा होता है उस वक्त पे हमें अगर हम एकदम से किसी बाहर से आ रहे हैं और एकदम किसी हम कमरे में अंधेरे कमरे में चला जाए तो हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि उस वक्त तक मीन्स जो पीपल का जो डायलेशन है वो प्रॉपर नहीं होता जब पीपल का इसका जो डायलेशन है प्रॉपर नहीं होगा तो प्रॉपर लाइट भी अंदर एंटर नहीं हो पाएगी इस वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं देता बिल्कुल ब्लाइंडनेस महसूस होती है और सिमिलर केस होता है कि अगर हम किसी अंधेरे कमरे से एकदम से किसी चमकदार मीन किसी बिल्कुल बहुत रोशनी वाली जगह पे जाएं, तब तब भी भी यही होगा तब भी हमें एकदम से कुछ दिखाई नहीं देगा देट इज द इसका जो मेन रीजन है बिकॉज क्योंकि जो आयरिस कंट्रोल करता है पीपल के डायलेशन और कॉन्ट्रेक्शन को इट टेक्स सम टाइम उसमें कुछ समय लगता है इसलिए कुछ सेकंड के लिए ऐसा होता है कि हमें ब्लाइंडनेस महसूस होती है नाउ कम टू द रॉड एंड द कॉन सेल्स ये जो रॉड एंड कॉन सेल्स आर द फोटो रिसेप्टर सेल्स ये फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं एंड इन द रेटीना जो रेटीना की हमने लेयर बताई थी वहीं पर फोटो रिसेप्टर सेल्स की सेकेंड लेयर थी सो सो वट आर द फोटो रिसेप्टर सेल्स दीज आर द रॉड एंड द कॉन्सल अब इनका जो नाम है रॉड्स एंड द कॉन सेल्स इनका नाम है बिकॉज ऑफ देर स्पेसिफिक शेप जो रॉड जो सेल्स हैं इनकी जो शेप है समथिंग लाइक like की तरह शेप है, वाइल जो कौन सेल्स हैं इनकी जो शेप है इनकी कॉन मीन्स थोड़ी सी इसकी शेप कॉनिकल है सो so, ये जो रॉड मीन्स uh, जो ये रॉड्स एंड कॉन सेल्स हैं, दीज आर सेंसिटिव टू द डिम लाइट इसमें जो जो रॉड सेल्स हैं ये डिम लाइट में वर्क करती हैं जब मीन्स अगर कहीं भी मीन्स अगर हम अंधेरे में जाते हैं तो वहां पर ये सेल्स एक्टिव हो जाती हैं जिसकी वजह से हम अंधेरे में देख पाते हैं लेकिन जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं जैसे कि हम आउल के बारे में बात करें उसमें ये जो रॉड सेल्स होती हैं ये बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं। वाइल हम देख सकते हैं लेकिन हम अंधेरे में हमारा विजन बहुत ज्यादा नहीं होता है सो so, मीन्स रॉड सेल्स हमारे uh, इसमें प्रेजेंट होती है ह्यूमन आई में लेकिन उसकी एक्टिवनेस इतनी नहीं होती जितने की नॉक्टर्नल एनिमल्स में होती है नाउ अब जैसे कि यहाँ पर है कि नॉक्टर्नल एनिमल्स लाइक आउल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स इन देयर रेटिना यही रीजन है कि वो रात में ही देख पाते हैं वाइल्ड जो कौन सेल्स होती हैं वो इन एनिमल्स में नियरली एब्सेंट होती हैं जो कौन सेल्स होती हैं इनका काम होता है कि ये ब्राइट लाइट में वर्क करती हैं कौन सेल्स क्या करती हैं दिस गिवस अस द कलर विजन जो कलर का विजन होता है ये हमें इन्हीं कौन सेल से मिलता है सो कौन सेल्स क्या करती हैं दे गिव सेंसेशन ऑफ कलर और ये होती द ब्राइट लाइट सो जो कलर का सेंसेशन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द कौन सेल और जो डिम लाइट में विजन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द रॉड सेल्स अब मीन्स कुछ जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए या शार्क हो गई इनको कलर की सेंसेशन नहीं होती देख मीन्स uh, क्योंकि इनके अंदर कौन सेल्स एबसेंट होती हैं सो देर फोर ये कलर को उतना मीन्स उनको रिकोगनाइज नहीं कर सकते मे बी उनको जो दिखाई देता है विजुअल दैट इज समथिंग इन द ग्रे शेड कुछ इनको ग्रे शेड में विजुअल दिखाई देता है वाइल्ड जो ह्यूमन्स हैं उनके अंदर ये जो मीन जो ह्यूमन्स हैं और साथ ही मंकीज हैं इनके अंदर कलर की सेंस ज्यादा है क्योंकि इनमें कौन सेल्स अच्छे तरीके से मीन्स uh, एक्टिव है हमारी बॉडी में ना कम टू द फोटो रिसेप्टर जैसे हमने बताया फोटो रिसेप्टर सेल्स हो गए जो रिसेप्टर सेल्स हैं जो कि बाहर का विजन बाहर का लाइट बाहर के कलर की जो मीन uh, जो कलर्स और विजन और जो लाइट के पेरेंट्स हैं उसको रिसीव करती हैं दीज इन सेल्स को हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स और जैसे हमने बताया कि फोटो रिसेप्टर सेल्स दो तरीके की होती है दीज आर द रॉड एंड द कॉन्स सेल्स जो रॉड सेल्स होती हैं जो कि डिम लाइट में विजन के लिए इंपॉर्टेंट होती है डिम लाइट विजन में इस कामी जो अगर हम डिम लाइट में जाते हैं तो यही रॉड सेल्स एक्टिव हो जाती हैं दे कंटेन अ स्पेशल पिगमेंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है दैट इज अ विजुअल पर्पल और द रोडोप्सिन कंपोनेंट और रोडोप्सिन पिगमेंट व्हाइल जो कोन सेल्स हैं दे कंटेन द विजुअल वॉयलेट जिसको हम नाम जिसको हमने नाम दिया है एडॉप्सिन सो so, जो रॉड सेल्स हैं, दीज कंटेन पिगमेंट इसको कहते हैं रोडोप्सिन और जो कौन सेल्स हैं, इनके अंदर जो पिगमेंट होता है इसको कहते हैं नाउ जो ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं ये किस तरीके से वर्क करते हैं यहां पे इसका एक हम शॉर्ट मीन uh, एक फ्लो डायग्राम है जो रोडोप्सिन है दैट इज अ रॉड सेल्स के अंदर रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट है इसके ऊपर जब ब्राइट लाइट पड़ती है तो क्या होता है कि एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ये ये पिगमेंट में कन, आ, मिस कन्वर्ट हो जाता है इसके साथ में रेटिनल प्लस एनर्जी ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं ब्लीचिंग प्रोसेस और फोटो ब्लीचिंग प्रोसेस फोटो ब्लीचिंग प्रोसेस इसी फोटो ब्लीचिंग प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि जब रोडोप्सिन के ऊपर ब्राइट लाइट पड़ती है सो इट कन्वर्टेड इनटू अनदर पिगमेंट दैट इज अस्कोटॉप्सिन एंटर रेटिनल जैसे ही स्कोटॉक्सिन में कन्वर्ट होता है तो ये जो सेल्स होती हैं दीज डिप्लोराइज हो जाती हैं यही जो मीन जो रॉड सेल्स से हैं ये डिप्लोराइज हो जाती हैं और ये न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रेट करती हैं यही न्यूरो ट्रांसमीटर नर्व इंपल्स जनरेट करते हैं सो so, और डार्कनेस में क्या होता है डार्कनेस में से मीन इससे उल्टा प्रोसेस होता है डार्कनेस में क्या होगा कि हम जैसे कह रहे हैं रॉड सेल्स एक्टिव हो जाती है कैसे क्योंकि इसी प्रोसेस का इनवर्स प्रोसेस में रोडोप्सिन फिर से बन जाता है इसे कहते हैं डार्क एडॉपशन डार्क एडपन इसमें क्या होता है कि जो मीन्स जो ब्राइटनेस में जो स्कोड साथ में रेटिनल बना था वही दोबारा कन्वर्ट हो जाता है रोडोप्सिन में सो दीज आर द टू प्रोसेस कि किस तरीके से फोटो रिसेप्टर वर्क करते हैं

ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती और दूसरा यहाँ पर कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं इट कंटेन नो पिगमेंट कोई पिगमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं होता इट लैक विजुअल रिसेप्टर एंड इट इज इनसेंसिटिव टू लाइट कोई लाइट का कोई मीन्स कोई सेंसेशन यहाँ नहीं होती सो so देव इसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट और यहाँ पर कोई इमेज फॉर्म नहीं होती क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके के रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं नाउ देन येलो स्पॉट येलो स्पॉट के बारे में स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे जब हमने फोविया के बारे में बात करी थी फोविया सेंट्रालिस सो येलो स्पॉट पर ही फोविया प्रेजेंट होता है येलो स्पॉट कहाँ होता है इट लाइज एग्जेक्टली अपोजिट टू द सेंटर ऑफ कॉर्निया कॉर्निया के जो जो कॉर्निया का सेंटर है उसके एग्जैक्टली exactly ठीक पीछे की तरफ बिल्कुल एंड में येलो स्पॉट प्रेजेंट होता है और यहां पर मीन यहीं पर एक स्मॉल डिप्रेशन है जिसको कहते हैं फोविया यहां से कोई नर्व स्टार्ट नहीं होती देर इज अन्स देर इज अ डिप्रेशन जिसका नाम है फोविया सेंट्रालिस यहां मीन्स यहीं पर कौन सेल्स लार्ज नंबर ऑफ कौन सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड इट हैज विजुअल रिसेप्टर मीन्स कौन सेल्स कौन सेल्स यहां प्रेजेंट होती है एंड इट इज सेंसिटिव टू लाइट कौन सेल्स प्रेजेंट है सो देर इट इज सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट एंड इमेज इज फॉर्म एट दिस पॉइंट इसी पर जो डिस्टेंट इमेज फॉर्म होती है वो यही मीन्स वो यही वो पॉइंट है मीन्स अब हम आने वाले जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई लेकिन उससे पहले वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दैट नाइट ब्लाइंडनेस जैसे हम कहते हैं कि जो जैसे कि अगर हम कैरेट खाएं या फिर कोई भी ऑरेंज फ्रूट या वेजिटेबल जैसे कि पमकेन या स्वीट पोटैटो या कैरेट इनका खाना हमें विटामिन ए प्रोवाइड करता है जो कि हमारी आईसाइट को इम्प्रूव करता है ऐसा किस लिए कहा जाता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस कंटेन द बीटा कैरोटीन ये बीटा कैरोटीन कंटेन करते हैं जितना भी कैरेट है और जितने भी मींस uh, जो येलो ऑरेंज uh, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल हैं जिनका कलर येलो ऑरेंज आता है उनके अंदर कैरेटेनॉइट प्रेजेंट होते हैं उसी कैरेटेनोइट में से एक है बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन क्या है दैट इज अ प्रिकसर ऑफ विटामिन ए ये विटामिन ए का प्रिकसर है क्योंकि हम जो इंटेक ले रहे हैं वो हम बीटा कैरोटीन ले रहे हैं जैसे हमने कैरेट खाए या हमने पंपकिन खाया तो बीटा कैरोटीन हमारी मीन्स हमारी बॉडी को मिल गया अब इसी बीटा कैरोटीन से मिलता है विटामिन ए और इसका अनदर नेम है दैट इज अ रेटिनॉल रेटिनॉल क्यों क्योंकि यहां पे OH है बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन ही विटामिन ए की फॉर्मेशन करता है उसके बाद ये थ्रू द एंजाइमेटिक प्रोसेस अब हमारी क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोसेस हो रहे हैं सो so यहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है लेकिन थ्रू द एंजाइम एंजाइमेटिक प्रोसेस से इसका ऑक्सीडेशन होता है एंड इट कन्वर्टेड इनटू द रेटिनल

मीन्स uh, वो इस तरीके पिगमेंट इस तरह के कॉम्प्लेक्स बना देता है जो कि विजन में जो कि विजन में हमारी मदद करता है और इसी वजह से अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हम उस कंडीशन को रतौंधी कहते हैं या फिर नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं क्योंकि उस केस में ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट है ये बन नहीं पाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि डिम लाइट में या अंधेरे में दिखाई नहीं देता है सो दैट इज द केस ऑफ द नाइट ब्लाइंडनेस नेक्स्ट इज द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई किस तरह से ह्यूमन आई वर्क करती है और उसकी फर्दर कौन कौन सी मीन्स उसकी मीन्स उससे रिलेटेड डिजीज है जैसे कि निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष उसके क्या केसेस हैं सो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट में विद दिस नोट वी एंड आर सेशन सो इस टॉपिक रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल दिस इज आर ट्विटर हैंडल लिंक दिस इज आर फेसबुक पेज एंड दिस इज आवर वेबसाइट सो विद दिस नोट थैंक्स थैंक्स फॉर लिसनिंग मी हैव अ नाइस डे